subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. ऐं जेका रेसिपीज़ ठाहींदासीं शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु आहे. शारजा कुकिंग ऑयल बहितरीन कुकिंग ऑयल हर जॻह अवेलेबल आहे ऐं नई पैकिंग आहिनि जी सुठी पैकिंग में दस्तियाबु आहे. वाइटमिन ए ई ऐं डी खां भरपूर आहे. ओमेगा 3 इनमें मौजूदु आहिनि जो बनस्पति गिह बि तमामु बहितरीन आहे. त कोलेस्ट्रोल फ्री ऑयल ऐं बनस्पति गिह हिन में खाधा ठाहींदासीं मज़ेदार ऐं हर जॻह मिले पियो. तव्हां वठी सघो था ऐं हिनखे इंजॉय करे सघो था ऑयल में. अॼु जेका रेसिपी ठाहियां पियो शारजा कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिह इस्तेमालु कंदे, सोहन हलवे जी फरमाइश हुई. काफ़ी फरमाइश आहे पे मुल्तानी सोहन हलवो, जंहिंखे हबशी हलवो बि चइबो आहे, उहो ठाहिणु सेखारियां पियो. ईज़ी वे में तमामु सुठी रेसिपी इहो ठहंदो ऐं हिन जो सॼो मैथड सॼो तरीक़ेकार कुझु मां पहिरीं स्टार्ट कयो आहे, कुझु बाद में, छाकाणि त टाइम जी बचति जे करे कुझु शयूं पहिरीं ठाहे रखबियूं आहिनि जो. हुन सां गॾु पुलाउ ठाहींदासीं वेजिटेबल जो. तमामु सुठो सीज़न हले पियो, डिफरेंट क़िस्म जी भाॼियूं अचनि पियूं था. बिरयानी स्टाइल में हिकु पुलाउ ठहंदो ऐं क्विक रेसिपी आहे, जीअं तव्हांजो दिलि करे फौरन ठाहिण जे लाइ त तव्हां ठाहे सघो था. रिपीट टाइम का क्या आहे, वही आहे या चेंज हो गया? ठीकु आहे, 11 वॻे रिपीट हले पियो. ठीकु आहे, सुबुह जो 11 वॻे रिपीट हले थो. कुकिंग विद शेफ मुंहिंजो पेज आहे, उते रेसिपी अपलोड थींदी आहे, स्क्रीन ते नंबर हलंदो आहे, कॉल करे पुछी सघो था. आज की जो रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल, शारजा बनस्पति घी हमारे साथ है. वाइटामिन ए ई और डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और लो कोलेस्ट्रॉल ये घी और बनस्पति घी और ऑयल है. आप इसमें खाने बना सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है. दिल चाहे और क्या, शारजा बिल्कुल मज़ेदार इसमें खाने बनते हैं. तो आज मैं बना रहा हूँ हबशी हलवा या सोहन हलवा, मुल्तानी सोहन हलवा जो ब्राउन कलर का होता है, सॉफ्ट सा होता है, वो बनाना सिखा रहा हूँ. उसका मेथड कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रोग्राम से पहले, बाकी आपके सामने बनाऊंगा, पूरा मेथड आपको बताऊंगा. उसके साथ वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं. वेजिटेबल पुलाव बिरयानी स्टाइल में बनेगा, क्विक रेसिपी है, सब्जियों का सीजन है. सुबह 11 बजे रिपीट चलता है कुकिंग विद शेफ, मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाती है. कोई मैसेज करना हो या कॉल ना लग रही हो तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा होता है, कॉल कर सकते हैं. कोई भी चीज़ फरमाइश करनी हो, कोई पूछना हो, आई किचन में हलूँ था. ऐं रेसिपी स्टार्ट कंदासीं हबशी हलवो. हबशी हलवो बि चइबो आहे हिनखे, मुल्तानी सोहन हलवो बि चइबो आहे. ठीकु आहे, ॿ तरीक़ा हूंदा आहिनि हिन जा ठाहिण जा. मां ईज़ी वे में तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां पियो. हिनखे वरी गरम कंदासीं. हिते मां खीरु खयो. ठीकु आहे, खीर मां हिनमें केतिरो खयो, 1.5 लीटर खीरु खयो आहे. ठीकु आहे, शारजा के किचन में आपको जो रेसिपी बना रहा हूँ इसमें मैं मीठे में हमेशा कहता हूँ बनस्पति घी यूज़ क्या करें, तो शारजा बनस्पति घी आज यूज़ कर रहे हैं. उसके साथ शारजा कुकिंग ऑयल में जो खाने बनेंगे, यहाँ पे हमने 1.5 लीटर दूध लेना है. हबशी हलवा या मुल्तानी सोहन हलवा, एक तो सोहन हलवा होता है सख्त वाली टिक्कियाँ होती हैं, ये होता है सॉफ्ट वाला जो आप मंगवाते भी हैं, कोई मुल्तान जाता है या गिफ्ट भी आते हैं. तो ये हमने 1.5 किलो दूध से खोया बनाया है. इसमें आपने क्या करना है, दूध को बॉयल करना है. बॉयल करने के बाद टाटरी ले लें, 1 टेबल स्पून लेमन सॉल्ट. टाटरी नहीं है तो 2 टेबल स्पून दूध ले लें, लेकिन टाटरी से ज़्यादा अच्छा बन जाता है. ठीक है, टाटरी हर जगह मिल जाती है. लेमन सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो आपने 1/2 कप पानी में मिला के और फिर आपने बॉयल दूध में डाल के हल्की आंच पे इसको मिक्स करना है. इसमें ये खोया सा बन जाएगा. ठीक है, इस तरह के लम्स बन जाएंगे. यही होता है मुल्तानी सोहन हलवा, जब हम खाते हैं उसमें दाना दाना सा आ रहा था, इससे ही बनता है वो दाना. ठीक है, और फिर इसका पानी हल्की आँच पे इतना कर देना है, दूध जो फट जाता है दूध तो पानी बन जाता है, वो फिर आपने इतना कर देना है कि 1 से 1.5 गिलास जितना पानी रह जाए. पहले तो 1.5 लीटर होगा, वो 1/2 लीटर तक आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे, थोड़ी देर छोड़ देकर ठंडा होगा, दोबारा इसको गर्म करेंगे. 1.5 लीटर सोहन हलवो ठहपियो, 1.5 लीटर खीर खयो. ठीक है, 1.5 लीटर खीर के तव्हां बॉयल कंदो, बॉयल करे हल्की बाहि कजो. टाटरी जेका असां खटाई हूंदो आहे पाउडर, लीमे जो पाउडर हूंदो आहे टाटरी, इहो 1 खाइण जो चमचो 1/2 कप पाणी में डिज़ोल्व करे मिक्स करे हिनमें विझिजो. चमचो हलाइजो, खीर फाटी पवंदो, माओ निकिरी ईंदो हिनमें काफ़ी सारो, 1.5 पाउ जेतिरो माओ ठही वेंदो. पोइ हिन जो हल्की बाहि ते पाणी जेको आहे उहो खुश करिणो आहे, जॾहिं 1.5 गिलास जेतिरो पाणी हिन तरीक़े जो रहिजी वञे त पोइ हिनमें असां छा शयूं एड कंदासीं, उहो हिनमें विझंदासीं. हिते पहिरीं मां चांवर, हीअ जेसि गरम थिए पियो चांवर पिसाए छॾां, 1/2 किलो चांवर, 1/2 किलो चावल है, इसको भिगो देते हैं ताकि जब हम पुलाव बनाएंगे तो उसके लिए चावल भी हमें भीगे हुए होने चाहिए. 10 से 15 मिनट अपने बासमती चावल को भिगो देना. 10 खां 15 मिनट पहरी चावर पिसाए छियन, इतने जी इनमें बॉइलिंग अचे पई. हाँ इनमें छा विझंदी, हल्की बाहे करी इनमें विझंदी मैदो 1 कप, मैदा 1 कप डालेंगे. ठीक है, मैदा डालने के बाद फौरन फौरन आपने इसमें स्पून चलाना, 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, अंदाजे से डालना, आपने पूरा नाप के डालना है. ठीक है, ज़्यादा बना हो जाए मीठा फिर वो अजीब सा लगता है. 1 कप चीनी, ठीक है,
एक कप मैदा, इलायची का पाउडर, कूट के इलायची एक खाने का चम्मच, ठीक है, ये डाला, इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह हल्की आंच पे ताकि मैदा अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए, चीनी और मैदा, ठीक है। इन तरीके से इनके मिक्स कंदो, एक कप मैदो, एक कप खंड, एक खाण जो चमचो नंढे फोटन जो पाउडर, वी अदद नंढा फोटा खण जो उनको पाउडर ठाई छो, इनके चंगी तरह मिक्स करण वन अंदर, ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें ब्राउन फूड कलर, ब्राउन कलर नहीं मिलता खाने का कलर, कोई और कलर नहीं लीजिएगा, ब्राउन फूड कलर नहीं मिला तो कोको पाउडर मिलता है जो हम केक्स में डालते हैं, चॉकलेट का पाउडर होता है कोको पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे एक से डेढ़ चाय का चम्मच कलर देने के लिए ब्राउन, ठीक है। वैसे तो इसमें ब्राउन कलर डलता है, अगर ब्राउन कलर नहीं है तो फिर आपने कोको पाउडर डालना है। ब्राउन कलर मिलंदो है, ठीक है, फूड कलर वडी स्टोर्स में मिली, अगर ये नथो मिले तो कोको पाउडर मिलंदो, कोको पाउडर चॉकलेट जो पाउडर होंदो, यो एक खाने जो चमचो या डेढ़ चाय जो चमचो विझी छो, ठीक है, ये डाल देना है कोको पाउडर। और इसमें हम इसके साथ ही डाल देंगे घी, घी डालने से क्या होगा इसमें ये जो हार्ड पन आ रहा है ये हमने इसका कम करना है, इसमें ग्लेस आनी चाहिए, तो इसके लिए शारजा बनस्पति घी में इसमें डाल रहा हूँ 2 टेबल स्पून, मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब है शारजा बनस्पति घी, 2 से 3 टेबल स्पून पहले डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे ताकि ये घी में ही पकेगा, ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको आपने घी में ही मिक्स करना है, जो इसका टेक्स्चर आता है वो इसी तरह आता है खोए से जो हम दूध फाड़ के बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हल्की आँच पर पकने देंगे और ये जब पकता रहेगा स्पून चलाते हुए, ठीक है, और इसी दौरान इसमें हमने सिरका डाल देना है, सफ़ेद सिरका नॉर्मल वाला 1 खाने का चम्मच, अच्छो सिरको 1 टेबल स्पून, एक खाण जो चमचो अच्छो सिरको विंदो, ठीक है, अच्छो सिरको विझी इनके चंगी तरह मिक्स का जो अच्छी तरह मिक्स करना है, और ये घी इसमें भूनता रहेगा, इसका जब कलर बिल्कुल ब्राउन टेक्सचर में आएगा, मैदा जो है इसके लम्स आपने ख़त्म करने अच्छी तरह, लेकिन ये इसमें दाना रहेगा, जैसे इसमें दाना होता है। अच्छा, जो कोको पाउडर चॉकलेट पाउडर या ब्राउन कलर जो मैंने डाला है अभी, एक तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच डाला है, उसके बाद इसमें और भी डलेगा क्योंकि इसका कलर हमने बढ़ाना है, उसी तरह का ब्राउन कलर लाना है। अब इसको हम साइड में शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे हम पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सोन हलवा हमारा बनेगा, बिल्कुल हल्की आँच पर पकता रहेगा, इसमें घी डलता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में, जब इसका घी ड्राई होने लगेगा फिर इसमें घी डालेंगे, इस तरह ये 20 से 25 मिनट इसको हमने भूनना है घी के साथ, ठीक है। चंगी तरह इनके घी से गड भुनंदासी, हिते असं स्टार्ट क्यों था कुकिंग ऑयल खणंदासी शारजा, इनमें असं छाठाइंदासी पुलाव, वेजिटेबल पुलाव। यहाँ पे हम लेंगे शारजा कुकिंग ऑयल, ये बॉटल है, ठीक है, शारजा कुकिंग ऑयल, पैकिंग खोल के इसमें हमने डाल देना है 1/2 कप, ठीक है, सील्ड होते हैं, और इसमें हमने 1/2 कप डाल देना है शारजा कुकिंग ऑयल। हलवे को जलने नहीं देना है, हलवा आपका बनता रहे अच्छी तरह, ठीक है। पैकिंग इसकी खोलता हूँ, साथ साथ इसको चलाते रहें ताकि, ये मेरे पास नॉन स्टिक है तो इसलिए इसमें ख़तरा नहीं होता लगने का, आप लोग सिल्वर के पैन में बनाएंगे। जी फरजाना शाकिर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अच्छा, मौसम की वजह से हो रहा होगा या कुछ ऐसा खा लिया? अच्छा अच्छा, और कैसी हैं आप? मैं बस, गला ही खराब है, बाकी तो मैं चाय पी रही हूं, लेकिन आवाज पहचानने में आ रही है आपकी? अच्छा, आ रही है। हाँ, अजी भाई तो नहीं पहचाने आवाज। हाँ, पहचान गए। अच्छा, मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर और सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और ये जो हलवा आप बना रहे हैं ना, अच्छी हलवा जी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया फैसल, और बहुत आसान कर दिया। अच्छा, मैं बनाऊंगी जरूर, या नहीं तो मैं सोचती रह गई थी। नहीं है तो मुश्किल लगता है, लेकिन बस ये कि इसका जो प्रोसेस होता है ना दूध वाला, वो थोड़ा टाइम लेता है, बाकी तो बन जाता ही है। नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बताया है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्राउनी। ठीक है, आप जरूर। कप केक भी बनाए थे मैंने। क्या बनाया था? ऑरेंज कप केक आपने बनाए थे ना? हाँ हाँ, ऑरेंज कप केक। हाँ, वो आपने पिक्चर अपलोड की थी, मैंने देख ली थी, मैंने पिक्चर आपने अपलोड की थी ना। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे हमने डालना है प्याज, 1/2 कप कुकिंग ऑयल में 1 अदद प्याज करके इसमें डाल देना है, प्याज को करना है गोल्डन फ्राई, ठीक है। इतने वेजिटेबल पुलाव टाइप है, सब्जी जो पुलाव तमाम मज़ेदार, इनमें 1/2 कप असा विधो शारजा कुकिंग ऑयल, ठीक है, विटामिन ए ई एंड डी का भरपूर रहा है, तमाम बेहतरीन कुकिंग ऑयल, कोलेस्ट्रोल के कंट्रोल, लो कोलेस्ट्रोल ऑयल आए इनके
इन जो बनस्पति घी भी तमाम सुठो है जैमें तुम पराठा ठाई सो मिठा ठाऊँ पाया हिंसर जो हलवो ठाया पे उनमें बनस्पति घी जो इस्तेमाल थे है। अच्छा यहाँ पे फिर अगेन मैं डालूंगा, ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी देर में बनस्पति घी जाएगा, फिर दो खाने के चम्मच डालूंगा क्योंकि इसमें ऑयल सॉरी घी की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें हम डालेंगे अखरोट, पिस्ता, बादाम, फिर इसको मिक्स करके फिर इसको ग्रीस करके और पैन में इसको रख के थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर इसके पीसेस काट के आपने करने हैं। अब इसमें कलर मुझे कम लग रहा है तो इसमें मैं फिर एक चाय का चम्मच डाल रहा हूँ। ठीक है, एक चाय जो चम्मच अगेन मैं भेजा पे ब्राउन पाउडर विजी छो ब्राउन कलर या कोको पाउडर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, ब्लैक स्टोन में, लेकिन जैसे ब्राउन इसका अपना कलर होता है वैसा होना चाहिए। यह आहिस्ता इसमें इसमें मिक्स होता रहेगा, अच्छी तरह मिक्स है। कोशिश कीजिएगा कि चॉकलेट पाउडर से बेहतर है आप ब्राउन फूड कलर ढूंढ लें। ठीक है, मिल जाता है स्टोर्स पे, जहाँ फूड कलर ज़्यादा मिलते हैं इम्तियाज़ वगैरह इस तरह के स्टोर्स पे आपको ये मिल जाएगा इजीली। यहाँ पे ऑयल में प्याज हो रहा है ब्राउन, ठीक है, बसर ब्राउन थे, पर इनमें भी जिंदा सी साबित गर्म मसालो, साबित गर्म मसाला मैं इसमें डाल रहा हूँ जिसमें एक अदद तेज़पत्ता, चार अदद लौंग, चार अदद छोटी इलायची, एक अदद बड़ी इलायची, एक अदद दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा एक चाय का चम्मच है। ठीक है, और काली मिर्च साबित एक चाय का चम्मच डाल दिए बघार में, तेज़पत्तो एक अदद, कारा मिर्च साबित एक चाय जो चम्मच, अच्छो जीरो एक चाय जो चम्मच, दालचीनी जी एक डंडी है, नंडा फोटा चार, वड़ा फोटो एक, आई लौंग चार अदद विजी, इनमें दाग टाइप है। रुखसाना जैदी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और ये जो आप हलवा बना रहे हैं जी जी जी, तो ये सोहन हलवा है या हफ्शी हलवा है? सोहन हलवा जो होता है, असल में सोहन हलवा जैसे देखा जाए तो वो जो टिकियां होती है ना सख्त वाली हम खाते हैं उसको कहा जाता है, ये मुल्तानी हलवा, इसको वैसे हफ्शी हलवा ही होता है लेकिन सोहन हलवा भी इसे कहते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने आपसे इसकी फरमाइश की थी। जी जी, काफी आपने भी कहा था और काफी कॉलर्स भी कह रही थी, तो मैंने कहा था इसमें इंशाल्लाह बनाएंगे ना। जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से बन रहा है उसमें, बिल्कुल वो जैसे उसमें आते हैं ना गाने से वो भी आ रहे हैं। जी जी। और असल में मैंने शुरू में जरा से ये बता दीजिएगा कि दूध कितना डाला था, और बाकी चीजें तो देख ली थी लेकिन ये दूध का पता नहीं चल पाया था बिल्कुल कितना डाला ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा पूरी रेसिपी, रिपीट कराता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसको अच्छी तरह चलाते रहना है, हल्की आंच पे पकेगा ताकि जो हमने इसमें मैदा डाला है उसका कच्चापन खत्म करना है। ठीक है, वरना मैदा कच्चा कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसको भुनाई में ही मैदा कच्चापन खत्म होगा। बसर इतने गाढ़ो थे पे हल्की बाहे थे इतने छाकंदा सी, जो तरीकेकार ईजी वे में तांके सिखाना पे हो, ईजी वे में बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने ले लेने आलू दो अदद, ब अदद पटाटा, एकड़े प्याले में विझी छोड़ो। पानी में डिप करके क्यों रखे थे कि काले ना पड़ जाए, ठीक है, स्किन के साथ ही मैंने डाल दी क्योंकि आजकल आलू आ रहे हैं नए वाले, उसकी स्किन के साथ भी अगर बनाए तो बहुत अच्छे बनते, वरना छील लें। ब अदद पटाटा उन अठ अठ पीस के जो वडा आई था नंढा था चार चार पीस करे हे एक पा पटाटा हली गया। इसमें गोभी चली जाएगी, छोटी गोभी, बिल्कुल छोटी फूल गोभी या हाफ डाल दें। ठीक है, इसके पीसेस तोड़ के इस तरह डाल दें। फूल गोभी हली गई, गाजर एक ले लें, उसके भी क्यूब्स बना दें, गाजर डाल दिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और सॉरी मटर, जो पहले सख्त सब्जियाँ हैं हार्ड वाली वो पहले हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मटर एक पाव है, छील के आप निकाल लें जितने निकलते हैं, एक पाव मटर, बखट रेदत पटाटा, एक अदद गजर, आई एक अदद नंडी फूल गोभी या अद्ध फूल गोभी हुंजा पीसेस कर छो। ठीक है, ये सब आपने इस तरह सब्जियां मिक्स कर देनी, इसमें डाल देने टमाटर, ये इजी वे में बनेगी, इस तरह ही आपने बनाए, जो हम भून के सब्जियां बनाते हैं उस तरह नहीं बना रहा हूं। ठीक है, साथ ही इसमें दही जाएगा आधा पाव, ये मज़े की रेसिपी बनेगी, पुलाव आपने ज़रूर बनाना इस तरह। ठीक है, इनमें दही अली भाई अदपा आधा पाव दही चली गई। अब इसमें क्या डालेंगे, अदरक सॉरी हरी पिसी लाल मिर्च भर के डालेंगे, डेढ़ चाय का चम्मच, डेढ़ चाय जो चम्मचो पीठल गाढ़ा मिर्च, एक चाय जो चम्मचो हैड, एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, दो चाय का चम्मच भर के या तीन चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाला गया। ठीक है, नमक आधा किलो के हिसाब से जैसे हम डालेंगे इसमें दो टेबल स्पून, ठीक है, आधा किलो चावल के हिसाब से दो टेबल स्पून सॉल्ट चला गया भर के। ठीक है, ये डाल दिया, इसके बाद इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स थोड़े से पानी के साथ, ये डिफरेंट तरीके से पुलाव बना रहा हूँ। ठीक है, आधा कप पानी डाला, ज़्यादा नहीं, सॉरी एक कप पानी डालें, आधा कप तो बहुत कम हो जाएगा, एक कप पानी भी दो, ये सब शयों मिक्स करे चलो। प्याज ब्राउन थी वो, ये सब शयों दोबारा बता रहा हूँ, आलू ले लिए दो अदद, चार कर दें छः छः आठ आठ पीसेस कर दें उसके, इसमें दो अदद टमाटर चॉप करके डालें,
एक फूल गोभी डाल दी है मैंने छोटी वाली, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। और एक पाव मटर था, एक पाव मटर डाला, ठीक है, उसके ये चारों सब, और एक अदद गाजर के क्यूब्स करके डाल दिए, सब मिक्स करें। उसमें आपने आधा पाव दही डाल देनी है, दही डालने के बाद आपने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और हाँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून चला गया, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 2 से 3 चाय के चम्मच डाला, सबको मिक्स किया। मिक्स करके 1 कप पानी में मिक्स करके सब मसालों के साथ सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं, प्याज जो ब्राउन किया था, अब इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। जब सब्जियां गल जाएंगी उसके बाद हम इस पर राइस डालेंगे। ब्रेक का टाइम हो रहा है, ठीक है, ब्रेक जो टाइम थे पे रेसिपी ब्रेकअप और रिपीट कराएंगे हम, बट उधर एक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेकअप को कंटिन्यू करेंगे। Sun TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. वेलकम बैक नाज़िम, ब्रेक देने का पहले तैयार सामू जेकर रेसिपी ठाऊँ पिया वो तैयार पियूँ थे शारजा कुकिंग ऑयल ऐसा सकद है, विटामिन ए ई एंड डी का भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल की है, कोलेस्ट्रॉल का कंदो कंट्रोल, ओमेगा 3 में मौजूद है, देखो तां जिला तमाम बेहतरीन आए नई इनकी पैकिंग सही तीन सामू दबे में भी बनस्पति की मिलो है आए उनके अलावा इनके लीटर्स में भी आई हैं ना, ही 3 लीटर में ही इन तरीके जो सारी पैकिंग तक मिली वी हर जगह अवेलेबल है, तमाम सुठो घी, तमाम सुठो ऑयल जैमें मैं खाधा ठाए पो, खुशबू भी तमाम सुठी अचे पी, तो इनमें तुम खाधा ठाईंदा। आई हाँ ही जो ठे पो सोन हलवो इनमें अगेन इनमें 2 खंड चमचा घी विझी छो, ठीक है, इसमें 2 खाने के चम्मच अगेन घी डाला मैंने, घी हमने 1 कप जितना या 1.25 कप रखना है क्योंकि ये अभी पकेगा, ठीक है। प्रोसेस इसका प्रोसीजर जो है वो मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले आपने 1.5 लीटर लेना है दूध, उसको बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद आपने इसमें टार्टरी होती है लेमन सॉल्ट 1 खाने का चम्मच 1/2 कप पानी में डिजोल्व करके डाल दें, ठीक है, अगर टार्टरी नहीं तो 2 खाने के चम्मच लेमन जूस डायरेक्ट डाल दें, दूध फट जाएगा, ठीक है, फिर उसमें वो लम्स से बन जाएंगे जैसे खोया बन जाता है कॉटेज चीज टाइप का, फिर उसका पानी आपने ड्राई करना है हल्की आँच पे, जब उसमें 1.5 गिलास जितना पानी रह जाएगा उसका, फिर आपने उसमें 1 कप मैदा साथ ही 1 कप मैदा डालें, उसके साथ ही आपने 1 से 1.5 कप चीनी डालिएगा, चीनी हम ज़्यादा डालेंगे पहले, ठीक है, 1.5 कप कर सकती हैं, 2 कप भी कर सकती हैं, वो चख के आप बाद में देख लीजिएगा। 1.5 कप चीनी डाल दी, ब्राउन फूड कलर मिल जाता है बड़े स्टोर्स पे आप देख लें, अगर नहीं मिलता कोको पाउडर डाल दें, कोको पाउडर से थोड़ा सा चॉकलेट का टच आएगा, हल्का सा ज़्यादा नहीं लेकिन ब्राउन फूड कलर बेस्ट है, वो डाल दें अपने हिसाब से 1 खाने का चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच वो डाल दें, इलायची का पाउडर 20 से 25 इलायची पीस के वो डाल दें छिलका हटा के, ठीक है, और इसको फिर हल्की आंच पे आपने मिक्स करना है करना है करना है, जब वो बिल्कुल इसमें लम्स बनने लगेंगे, वो लम्स ख़त्म होने लगेंगे, मैदा उसमें अंदर घुल जाएगा, फिर आपने इसमें क्या डालना है, इसमें आपने डाल देना बनस्पति घी, मैंने शारजा बनस्पति घी डाला, इसमें आप बटर भी डाल सकती हैं, ठीक है, 2 खाने के चम्मच पहले डाला, फिर उसको हल्की आँच पर भूनते रहें, फिर 2 खाने के चम्मच डालें, नीट खुद ही आपको महसूस होगी इसमें घी की, फिर अगेन वो जब भुनाई पर आ जाएगा सॉफ्ट होने लगेगा, फिर आप उसमें दोबारा 2 खाने के चम्मच, अभी तक मैंने 6 से 7 खाने के चम्मच इसमें घी डाल दिया, ठीक है, और इसको इसी तरह भूनते रहें हल्की आंच पे, काफ़ी देर ये पकेगा, जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा हार्ड होने लगेगा तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे, जिसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे वो लास्ट में डालेगा, और वो हरके गुलाब या केवड़ा वाटर जाएगा, ठीक है, वो लास्ट में डालेंगे। जी कौन है मेरे साथ, परवीन है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई जी, क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, सबसे पहले मैं साल मुबारक हो फैसल भाई जी, नया साल मुबारक हो आपको, हाँ नए साल आपको भी मुबारक हो, मैंने तो किसी को भी नहीं कहा हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक फैसल भाई, आपका शुक्रिया अदा करना था सोन अलवे का, जी जी आपकी भी फरमाइश थी, काफी सारी फरमाइशें थी, अब इसको ट्राई कीजिएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है, शुक्रिया फैसल भाई, जरूर बनाऊंगी मैं, तो वैसे घी में बनाऊंगी इंशाल्लाह, जरूर बनाएगा, ठीक है, ठीक है, okay, भाई, बहुत हाँ, दिल चाहे और क्या, शारजा
बेहतरीन कुकिंग ऑयल हर जगह पैकिंग में दस्तयाब है, आप इसमें बनाएं, खाने मज़ेदार बनते हैं। बनस्पति घी जैसे मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल खुशबू इतनी अच्छी आ रही है बनस्पति घी की जैसे हम देसी घी यूज़ करते हैं। कुकिंग ऑयल ओमेगा 3 इसमें मौजूद है, विटामिन ए, ई और डी से भरपूर है। पैकिंग्स आपके सामने हैं, आप लें जाके और इसमें खाने बनाएं, मज़ेदार खाने बन रहे हैं। यहाँ पर हमने हलवे को मुसलसल पलटते रहना है, ठीक है, इसको पलटते रहें ताकि इक्वल हो जाए। अच्छा, एक ग्लूकोज मिलता है यहाँ पर, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एक होता है ग्लूकोज हम जो खाते हैं डिसॉल्व करके, वो नहीं, एक ग्लूकोज लिक्विड मिलता है, वो खाने कुकिंग के लिए होता है। अगर वो मिल जाता है आपको, वैसे मिल जाएगा, तो वो भी हाफ कप जितना डालें, उसमें स्टिकीपन आता है, ठीक है। अगर नहीं है तब भी ये स्टिकीपन आएगा, तब भी आप इसको बना सकते, ज़रूरी नहीं है, तो ज़रूर डालिएगा, ठीक है, मिल जाए तो। ग्लूकोज लिक्विड में अचे तो हिकिड़ो त ग्लूकोज असां जेको मेडिकल स्टोर ते मिलंदो आहे, असां पीअंदा आहियूं ताक़त जे लाइ, पाणी में मिलाए विझंदा आहियूं, उहो न, ग्लूकोज लिक्विड वांगुर मिलंदो आहे, लेकिन उहो मेडिकल स्टोर खां न वठिजो, हू डिफरेंट क़िस्म जा ग्लूकोज ईंदा आहिनि, उहो न वठिजो। हे मिलंदो कुकिंग वारो ग्लूकोज, वॾे स्टोर्स में मिलंदो, अगरि उहो मिली वञे थो त उहो बि विझी सघो था, हुनखां अञा वधीक हिनमें स्टिकी ईंदो, हू जेको हलवो सफ़ा रबड़ वांगुरु खिचजंदो आहे, न त जंहिं तरीक़े सां मां ठाहियां पियो हिनमें बि तव्हांजो तयारु थी वेंदो, ठीकु आहे। ज़रूरी न आहे की उहो विझो, लेकिन अगरि मिली वञे त विझी छॾिजो, ठीकु आहे। इसको मैं पलटता रहूंगा, इस तरह ये बनता रहेगा। अच्छा, घी इसमें पहले आपने 2 टेबलस्पून डाला, फिर इसको थोड़ा सा भूने 2-4 मिनट के बाद, फिर 2 टेबलस्पून डालें, फिर थोड़ा भूने, फिर 2 टेबलस्पून डालें, इस तरह इसमें घी तकरीबन 7 टेबलस्पून जितना मैंने डाल दिया, इसी में ये पकता रहेगा, जिसका कलर बिल्कुल चेंज होगा, आप चख के देखिएगा। अगर मीठा आपको 1.5 कप से कम लगे तो आप और बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर वेजिटेबल्स मैंने डाली थी, और इसको 1 कप पानी के साथ, जब वेजिटेबल्स हार्ड वाली हैं वो गल जाएँ, फिर हम इसमें राइस डाल देंगे जो भिगो के रखें। आलू गल गया है, ठीक है, गाजर भी गल गई है, मटर में भी 2 मिनट हैं, गोभी भी गल गई है, छुरी की नोक से चेक कर रहा हूँ, गोभी का कच्चापन नहीं होना चाहिए। इसकी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, वेजिटेबल पुलाव बन रहा है, मिक्स वेजिटेबल पुलाव। प्याज 1 अदद ब्राउन करें, 1/2 कप शारजा कुकिंग ऑयल लिया, उसमें 1 अदद प्याज ब्राउन किया, उसमें साबित गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च साबित, 1 बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 4 अदद लौंग या 5 अदद लौंग डाल दें, और उसके साथ दालचीनी की 1 स्टिक डाल दें, ठीक है, 1 तेज़पत्ता डाल दें, और इस मसाले भगार में ही डालें, प्याज के साथ भुनाई हो जाएगी। उसके बाद 1 बड़े बॉल में 1 अदद गाजर की उसमें कटिंग थी, 1 पाव मटर थे, 2 अदद आलू थे, 8-8 पीस कर दिए थे दरमियाने साइज़ के, ठीक है, बड़े आलू के, 2 आलू के। उसके साथ है ना, मैंने फूल गोभी ले ली थी, अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें, फूल गोभी एक छोटी भी मिल जाती है, ढूंढ के ले लें या आधी डाल दें, ठीक है, उसके फूल तोड़ के वो सब चीज़ें बॉल में मिक्स की, फिर उसमें टमाटर 2 अदद चॉप करके डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डाल दें, सब ये प्याले में ही डाल दें, ठीक है, दही 1/2 पाव डाल दें, फिर उसमें आपने क्या डालना है, 2 खाने के चम्मच नमक, 1/2 किलो चावल के हिसाब से बिल्कुल बैलेंस है, थोड़ा बढ़ाना चाहें तो 1/2 चाय का चम्मच बढ़ा सकती हैं, फिर कुटी हुई लाल मिर्च या पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच भर के डालें, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच डाल दिया, धनिया पाउडर 3 चाय के चम्मच डाल के सारा मसाला 1 कप पानी के साथ सब मिक्स कर दें, सब्जियां और मसाले, फिर वो जब प्याज ब्राउन हो गया गर्म मसाले के साथ ये सब इसमें डाल दिया, कवर कर दें मिक्स करके, उसी 1 कप पानी के साथ सब्जियां गल जाएंगी, जब इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा सब्जियां गल जाएं चेक कर लीजिएगा, फिर हम इसमें चावल डालेंगे, उसके बाद उसका पानी लेवल से डाल के इसको दम पे लगा देंगे, ठीक है। हे हलवो पलटाया पे जाने कलर ऐं खुशबू अचण लॻी आहे सोन हलवे वांगुरु, थोरो तव्हांखे शुरू में लॻंदो खटास ईंदी में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पचण खां पोइ घटि थींदी वेंदी, ठीकु आहे। थोरी थोरी इसमें खटास आती है, जैसे आप सोन हलवा अगरि सही से खाएंगे तो उसमें आपको एक हल्की सी बिल्कुल 10% उसमें खटास फील होती, वो इसी की होती जो खोया हम बनाते हैं दूध को फाड़ के, वो कॉटेज चीज़ टाइप के दाना बनता है, वो इसी से बनता है, ठीक है। रेसिपी रिपीट कराया पे पुलाव जी, जेको पुलाव असां ठाहियो, पुलाव जे लाइ असां छा खपे, 1/2 कप शारजा कुकिंग ऑयल गरम कयो, 1 गंढ बसर जी गुलाबी कयो, हुनमें साबित गरम मसालो 1 चांहि जो चमचो अछो ज़ीरो, 1 चांहि जो चमचो साबित कारा मिर्च, 1 दालचीनी जी डंडी, लौंग 4 अदद, नंढा पोटा 4 अदद, वॾो पोटो 1 अदद, अछो ज़ीरो 1 चांहि जो चमचो, ऐं तेज़ पतो 1 अदद विझिजो, दाग ठहंदो। पोइ हिकिड़े प्याले में पटाटा 2 वॾा पटाटा खणिजो, 8-8 पीस करे छॾिजो, हिकिड़े प्याले में विझिजो, 1 पाव मटर विझिजो, 1 फूल गोभी नंढी हथ सां तोड़े विझिजो, 1 गजर जा पीसिस करे विझी छॾिजो, 2 अदद टमाटा कटिंग करे विझिजो, 1/2 पाव दही विझी छॾिजो, अदरक थूम जो पेस्ट 1 खाइण जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1.5 चांहि जो चमचो या कुटियल गाढ़ा मिर्च 1.5 चांहि जो चमचो, हुन सां गॾु पीठल धाणा 1/3 चांहि जा चमचा, हैड 1 चांहि जो चमचो, लूणु 2-2.5 खाइण जा चमचा लूणु टेबल स्पून विझी, 1 कप पाणी सां गॾु मिक्स करे सभु गॾु विझी छॾिजो बसर जे दाग में, हिनखे कवर करे छॾिजो मिक्स करे, जॾहिं भाॼियूं गरी वेंदियूं प्रोसेस अॻियां ॿुधायूं था। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुलु ठीकु ठाक, कहिड़े किथां ॻाल्हायो था जी? जी अदी, कुझु चवणु चाहींदो? हा त असांखे पुलाव
छाजी पुलाव दी अफगानी 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 पुलाव ठीक है मां नोट करे तो वठा इंशाल्लाह ताके ठाए सिखारबो ठीक है पुलाव भी ठाई जो मजेदार ठंडो तमाम ठीक है ओके जी थैंक यू अल्लाह हाफिज सब्जियां गल गई फिर आपने क्या करना जो चावल भिगो के हमने रखे थे इसका पानी निकाल देते हैं पहले वॉश करके एक दो दफा फिर भिगोइएगा ठीक है चावल पिसाई रखे हुआ जो पानी कटे था छड़ू जडे हिते सफा ऑयल मथे अचण लगो इनमें विझंदासी चावल अधि किलो सब्जियां तकरीबन मिला के आधा किलो हो जाएंगी ठीक है आधा किलो से तीन पाव जितनी चावल विझण का पोए इनके कंदासी मिक्स चावल इसमें मिक्स करें मिक्स करने के बाद आपने पानी इतना डालना है कि एक इंच पानी चावलों से ऊपर हो ठीक है एक इंच पानी चावलन का मथे हुए पहले इनके मिक्स कजो चंगी तरह मिक्स करने का पोए इनमें पानी असा एतरो विझंदासी कि चावरन का एक इंच मथे हुए तो ताजा चावर सुठा ठंडा वधिक मानू विझी छंदा है पहरी पानी ना विझंदा कि पुलाव में कदे भी उनका छाती तो पुलाव नरम थी विंदो है ठीक है अब पानी इतना डाल रहा हूं कि एक इंच चावल से ऊपर आ जाए इसमें बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं वरना क्या होता है हम पहले पानी डाल के बॉयल करते हैं चीज़ों को उसके बाद ऊपर से चावल डालते हैं तो पानी का आपको अंदाज़ा नहीं होता आप क्या क्या करें कि पहले चावल में चावल डाल के फिर ऊपर से इसमें थोड़ा पानी ला के दें इसमें फिर है ना आप मुझे इसमें आप फिर क्या करें कि चावल डालने के बाद आप पानी डाला करें एक इंच पानी ऊपर होना चाहिए अब हम डालेंगे जब इसमें आप देखेंगे बॉयलिंग आने लगेगी फिर इसमें डालेंगे शिमला मिर्च ठीक है इसको सोहन हलवे को पलटा रहा हूँ इस तरह पलटाते रहें ये पकता रहेगा काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि मैदा जो इसमें डाला हुआ उसको कच्चापन ख़त्म करना है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए वरना मैदा आप खाएंगे ऐसे लगेगा मैदा खा रहे हैं ठीक है हल्की आंच पे पकता रहेगा बिल्कुल ये तकरीबन 30 मिनट में तैयार होगा यहाँ पे जब इसमें बॉयलिंग आएगी यहाँ पे हम डाल देंगे शिमला मिर्च एक कदर शिमला मिर्च था इसको हमने क्यूब्स में कटिंग कर दिया है और ये इसमें जाएगा ठीक है हाँ जड़े इनमें बॉयलिंग अच्छे पे शिमला मिर्च खाणी आखिर में विझी छो ठीक है शिमला मिर्च विझण का पोइ हाँ बॉयल अचण दियो चंगी तरह में बॉयल इंदो जडे जो पानी खुश्क थियण लगंदो तो पोइ इनमें असां छा विझंदासीं इनमें असां विझंदासीं केवड़ा वाटर गरम मसालो पाउडर ऐं ज़र्दे जो रंग ठीक है हरी मिर्चें बहुत बड़ी हैं तो इसको बीच से दो करके डाल रहा हूँ ठीक है इस तरह कटिंग करके बीच से दो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं चाहिए तो फिर आप साबित डाल दें बारीक वाली ठीक है मैं यहाँ पे काट के चार से पांच अदद मिर्चें हैं बीच से कटिंग करके दो दो पीस में हरी मिर्चें भी इसमें डाल रहा हूँ साथ ही इसमें पानी थोड़ा और जाएगा ठीक है पूरा एक इंच अंदाजे से आप डाल दें एक इंच चावलों से पानी ऊपर होना चाहिए अब इसको एक बॉयलिंग आने दें बॉयलिंग आने के बाद हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 25 मिनट में आपका ये पुलाव हो जाएगा तैयार ठीक है एक बॉयलिंग अच्छे पे हाने इनके कंदासी कवर ऐं जो जडे पानी खुश्क थी वेंदो तेज़ बाहि ते कैंप मीडियम ते जडे जो पानी खुश्क थियण लॻंदो ज़र्दे जो रंग गरम मसालो पाउडर ऐं केवड़ा वाटर या अर्के गुलाब ऐं साई बसर थोरी सी मथां वेंदी ठीक है इसको पलटा रहा हूं अगेन अभी ये मज़ीद पकेगा इसको पकने दें अच्छी तरह बस 7 टेबल स्पून काफ़ी 6 to 7 टेबल स्पून घी अच्छा जब इसका ये घी में जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो इसका घी हमने निकाल देना है ठीक है इसका जो घी होगा वो निकाल के इसको थोड़ा ड्राई करके जो शारजा वनस्पति घी मैंने डाला है वो निकाल के इसको थोड़ा ड्राई फॉर्म में आएगा और इसका जो निकला हुआ घी होगा वो आपने ग्रीस कर देना नीचे जिस पैन में आप निकालेंगे इसमें हल्का सा 2 टेबल स्पून घी यही वाला जो इसका गर्म घी है यही ग्रीस करके ऊपर से ये हलवा डाल दें और इसको ठंडा करें दो घंटे के बाद पंखे के नीचे रख दें फिर इसमें छुरी से आपने कट्स लगा देने लेकिन उससे पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स के ऊपर से टॉपिंग करेंगे अखरोट इसमें ज़रूर जाता है पिस्ता बादाम जाता है अगर पिस्ता नहीं डालना चाहें तो अखरोट और बादाम ज़रूर डालें ठीक है इसको अभी मज़ीद पकाएं अभी इसमें खुशबू आ रही है आहिस्ता आहिस्ता बहुत मज़ेदार रेसिपी कल हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पराठा की फरमाइश आई हुई थी पिज़्ज़ा पराठा भी सीज़न भी है ठीक है पिज़्ज़ा पराठा बनाएंगे और उसके साथ आजकल आपने देखा होगा यहाँ पे कराची में आउटलेट्स खुली हुई हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ मिल रहे हैं ठीक है पिज़्ज़ा फ्राइज़ मिल रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ क्या होता है नीचे फ्राइज़ होते हैं ऊपर से सारी टॉपिंग वही पिज़्ज़ा वाली होती है उसको भी बेक किया जाता है वो आप पतीले में भी कर सकते हैं प्लेटर आजकल मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा हर जगह जौहर में भी हर जगह है कराची में तो वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा बच्चे शौक से खाते हैं आप घर में खुद बना के दें लंच बॉक्स के लिए भी आप छोटे से पैन में बना के वो दे सकती हैं फ्राइज़ को आपने टॉपिंग करके ज़्यादा तरीका कल बताऊंगा पिज़्ज़ा पराठा भी आप लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकती हैं ईजी होता है रोटी के अंदर ही बनता है जो पराठे का डो होता है उसके अंदर ही फिलिंग करके वो सारा कल बनाएंगे इंशाल्लाह फिर इसी वीक में पाए भी बनाएंगे मैं भी सैटरडे या संडे को पाए भी बनेंगे सिरी पाए और उसके साथ नान बनाना सिखाऊंगा ठीक है दिल चाहे और क्या शारजा बनस्पति घी
बेहतरीन बनस्पति घी है जो मैं सब खादा ठाई पे मिठा खासकर जो ठाई बनस्पति घी में ठाईदा क्यों। अच्छा सोन हलवे को अच्छी तरह पकने दें और फिर एक चम्मच से मैं इसको निकाल के साइड में टेस्ट करने के लिए रख रहा हूँ ठंडा करने। ठीक है, आपने निकाल के थोड़ा सा चखना है ठंडा करके, गर्म नहीं वरना जबान जल जाती है, बहुत गर्म होता है। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, पुटा खुश आयो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तां बुधायो छा लें ता जा? हां अल्लाह सई शुक्र असा बस गलाई को से एको फोन ही न पिए कोई खणे फोन त बिजी विंदी हुंदी ना लाइन कॉलर्स हुंदा है ता इन करे शायद ना। हां मसरू मसरू बेचे बात हफ्ता किया गला सई कोन सा ता सा जो खैर लगो पता बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ता ठीक है ता तबे ठीक है। हां अल्लाह सई शुक्र आप ता मैं अस्पताल में गलाया थी मा चुंठल अस्पताल में थाना जी मैं आपी आने हॉस्पिटल में मा गलाया थी बेटी खैर अच्छो चाहते हो ता के ना वो डायलिसिस थिन दो ना मैं जो ता। अच्छा अच्छा हां तो माच मार अभी सो खमसा है ला को खणन भी अल्लाह ताके सेहत देंदो इंशाल्लाह सही थिंदो आई ता दिसो पे आई रुते भी प्रोग्राम। हां न न सर सो नहीं कर चवा तिन हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में मोबाइल हो या हेलो सुठी गाल ता याद कयो खुशी थी डाडी के दिसो ता उते भी याद कंदा आयो आई असा सबी की दुआओं ता सा गडन। ठीक है पजो रिपीट में दसदा जी रिपीट में दसदा सुबह सामा। हां सुबह जो रिजो 11 बजे रिपीट हलंदो। ठीक है हां पाई ठायो साता पुटरे सोहन हलवो टाइप हो वेजिटेबल पुलाव टाइप हो। अच्छा अच्छा जेके ता मछी फ्राई कई ना जी जी वो असा खाई से इतनी मसाला जबरदस्त थी भाई। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह हाने भी मछी ठाइंदम बटर की समझो ता वो भी दिस जो। ठीक है हां मसाला सा सजे मुजी फैमिली के वाणी भाई बात सलाम चाहिए सब इनके। थैंक यू मुजी नहर नहीं पर मसाला या रेसिपी लसी मार केड़ी फरमाइश और रेसिपी लसी मान ते वाणी फ्राई फ्राई जी वो मठाई असा ठाई से घर में ना। अच्छा अच्छा तमाम जबरदस्त थी भाई मेहरबानी तमाम घणी मेहरबानी सलाम छे जो सबनी के। ठीक है हां बद आ के दुकान मास्टर में ता दे फोन के या शुक्र आप फोन लगी मेहरबानी तमाम घणी मेहरबानी थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अच्छा इसको अभी पकने दें। ठीक है बिल्कुल आप देखेंगे आप खुद ही हलवे का टेक्सचर जब लगेगा खुशबू आने लगी थोड़ा चेक कर लीजिएगा चावल। अब इसका पानी देखें ड्राई होने लगा है। ठीक है ये देखें इसका पानी ड्राई होने लगा। अब चूल्हा में बिल्कुल हल्का कर दूंगा, पहले मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ था। अब इसमें मैं क्या चीज़ें डाल रहा हूँ, ब्रेक भी आने वाली है, ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसमें दो तीन चीज़ें डाल रहा हूँ अली भाई ये दिखा दूँ। ठीक है ये देखें ड्राई हो गया है, ड्राई थी वो। इसमें हमने क्या डालना है, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाले जो पाउडर अद्ध चाय जो चमचो ये मथा फैलाए छो, केवड़ा वाटर या अरके गुलाब एक खाने जो चमचो, केवड़ा वाटर या अरके गुलाब एक खाने का चम्मच, जर्दे का रंग 1/2 टीस्पून दो जगहों पे डाल रहा हूँ। ठीक है जर्दे जो रंग अद्ध चाय जो चमचो बस जगहों पर विधो, इनके कवर करीब 25 मिनट जला इनके दम पर रखो वटू देखे शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक का पहुंची रेसिपी कंटिन्यू करना। Sun TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. दिल चाहे और क्या शारजा, शारजा के किचन में तांजे सामू जे रेसिपीज टाइम पे तमाम बेहतरीन जे में बनस्पति घी असा शारजा जो यूज कयो जे में असा ठाए पे सोहन हलवो। सोहन हलवो जडे ही ड्राई थे लगन तो मैंने जो थोड़ो घी कटी छड़ियो। ठीक है थोड़ा घी निकाल दीजिएगा क्योंकि इसका घी जाया नहीं होगा, वो फिर आप सूजी बनाए कोई मीठा बनाए आप उसमें ऐड कर लें, उसमें यूज कर सकती है। ठीक है क्योंकि घी मीठा है, थोड़ा घी निकालना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑयली ना हो जाए। ठीक है क्योंकि इसकी भुनाई हो चुकी है, अब इसका कलर इसका आ गया है और इसको अभी मज़ीद थोड़ा भूनूंगा। अच्छा चीनी का मैंने बताया था जैसे 1.5 कप तक है, आप चेक कीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप 2 कप 1.5 पाव तक भी चीनी कर सकते हैं, तकरीबन 2 कप 1 पाव के करीब बनता है। ठीक है यहाँ पे पैन को या प्लेटर को जिसमें निकालना है उसको ग्रीस कर दिया। यहाँ पे मैंने पुलाव में गर्म मसाला पाउडर डाला और उसके साथ केवड़ा वाटर डाला। ठीक है और जर्दे का रंग दो जगहों पर डाल के इसको मैंने दम पर रख दिया है, जब इसका दम आ जाएगा तो हम इसे डिश आउट कर देंगे। मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव और इसके साथ सोहन हलवा हो रहा है तैयार। अच्छा सोहन हलवा सॉफ्ट होता है शुरू में, जब ये जमेगा तो फिर ये जाके अपने असल शक्ल जैसे होता है, स्टिकी सा होगा, हार्ड सा होगा, पीसेस आप इसके बाद में कीजिएगा।
प्लेटर में डाल के इसको सेट करें। सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने ठंडा करना है 2 घंटे, उसके बाद कट्स लगाइएगा, ठीक है। सोन हलवे डिफरेंट तरीके से बनते हैं, ये इजी वे में मैंने आपको बनाना सिखा दिया चंगी तरह इनके जी। शाहिदा हैं जौहर से, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शाहिदा? अल्लाह का शुक्र, अभी आपने लंच का कहा ना, कल बना रहा हूँ ना पिज्जा पराठा, और वो पिज्जा फ्राइज आजकल चल रहे हैं जोर में, आपने देखा भी होगा, तो ये आजकल इनके आउटलेट भी है, तो वही बनाना सिखा रहा हूँ बच्चों के लिए। अच्छा भाई, पैन में सिखाएगा तवे वाला ना? हाँ हाँ, पैन में ही बनाऊंगा पिज्जा पराठा, तो पैन पे ही बनेगा, और वो वाला भी मैं पैन में बता दूंगा, एक ओवन में कर लेंगे एक पैन में कर देंगे फ्राइज वाला ना। अच्छा, ये बच्चे खुश हो रहे हैं टीवी की आवाज सुन के दूर से। चले ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये हमारा सोन हलवा देखें, ये बिल्कुल अब जगह छोड़ रहा है, ये बिल्कुल सेट हो गया, ठीक है। ये जब सेट हो जाए इसको अच्छी तरह भून के पलटाते रहें, क्योंकि घूमेगा नहीं, इसको आपने पलटाते रहना खुद ब खुद। अच्छा, नॉन स्टिक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नॉन स्टिक में ना बना रही हो तो फिर उसको आपने कफगीर या टिफनी जो होती है उससे आपने खुरचते रहना है, वरना ये जलना शुरू हो जाएगा, लगना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। नॉन स्टिक आए पैन मोट तहन में ही लगन दो कोने, लेकिन नॉन स्टिक ना आए तो इलाही एहतियात से ठाई जो कि लगे ना हलवो, ठीक है। अच्छी तरह परसों बनाएंगे सिरी पाए, ठीक है। सिरी पाए की भी आई थी फरमाइश। सिरी पाए के साथ हम नान बनाएंगे, या एक दो और रेसिपी को इजी साथ रख देंगे, और ये पुलाव बना दिया, ये बना दिया, इस तरह की काफ़ी सर्दियों के वेजिटेबल्स खासकर सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसकी बहुत सारी वैरायटी है, और संडे को भी इंशाल्लाह कोई अच्छी सी चीज़ बनाएंगे, या चाइनीज़ कुछ करेंगे संडे को इंशाल्लाह, ठीक। हाँ बिल्कुल, ये हो गया तैयार। देखें इसका घी मैंने तकरीबन कितना निकाला है, यहाँ पे प्याली में मैंने निकाल के रखा है, 4 to 5 tablespoon घी निकल जाएगा, ठीक है। शारजा बनस्पति घी जो मैंने इसमें यूज़ किया था वो 4 to 5 tablespoon निकला है, बाकी जितना हलवे को चाहिए था उसने ले लिया है, ठीक है। घी जो हलवे के खपन दो वो पाण हो खड़ी वरतो है, एक्स्ट्रा घी बाहर अची वो हलवे का अलग थी वो तो एक्स्ट्रा होंद है, जितो हलवे की नीड हूँ जरूरत होंगी वो पान खड़ी वो है, ठीक है। आखिर में कटी वरतो है वो घी जो कटी रखियो यो पोगया सूजी जो हलवो ठायो, कोई भी हलवो ठाई तो उनमें तो खे कम। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा हलवा तैयार, इसको प्लेटर कोई टिन वाला ले लें, एलमोनियम का ले लें, जो मेरे पास ये पायरेक्स का था, तो इसमें ये अच्छी तरह हलवा डाल दें, इसको डाल के इसको सेट करें, ठीक है। चिपकेगा पहले आपने ग्रीस करना, मैंने ग्रीस किया था वरना ये चिपक जाता है, ठीक है, स्टिकी हो जाता है, एकदम चिपकना शुरू हो जाता है। और ये जो पैन है, ये जो स्पून है, इसको आपने क्या करना है, पैन को और स्पून को आपने फौरन गर्म पानी, इस पर पानी डाल के इसको चूल्हे पे रख दें ताकि इसमें बॉयलिंग आए, तो चम्मच के ऊपर जो चीनी और ये रेशा चिपक गया है ये उतर जाएगा, वरना क्या होगा ये धोने में आपको परेशानी होगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अखरोट से आप गार्निश करें, ठीक है। अखरोट पीसेस करे भी लगाई सको था, मत्था वडा भी लगाई सको था, अखरोट से इसको गार्निश करें, और उसके साथ बादाम छिले हुए डाल लें, ठीक है। छिले हुए बादाम मतलब बादाम को हल्के से हाफ कप पानी के साथ बॉयल करके पानी उसका ड्राई कर लें, फिर उसके बाद आपने इसको ठंडा करके इसके छिलके उतार देने, या ठंडे पानी में इसको एक दफ़ा गुजार लें, ठीक है। बादाम के पहले बॉयल करो, पोजो पानी खुश करे आए उनमें तां छिलका लाई छो थो वाणी, ये देखें बादाम छिले हुए, अली भाई डराए तो नहीं। अच्छा, ये आपने 20 से 25 मिनट बाद इसको आपने क्या करना है, कट्स लगा देने, ठीक है। अभी नहीं लगाएगा, फौरन ये गर्म है, 20 से 25 मिनट बाद आप इसको कट्स लगा के, पिस्ता डालना चाहें तो पिस्ता भी चॉप करके डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, सेट हो गया, इसको मैं रख देता हूँ हलवा। कट्स इसके 2 घंटे बाद लगेंगे, या 1 घंटे बाद भी आप लगा सकते हैं, कट्स लगा दें तो ये फिर ठंडा होगा, उसको फिर 2-4-6 घंटे बाद आपने खाना है, ठीक है। पुलाव हमारा हो गया तैयार, टाइम क्योंकि इतना नहीं है, आपने 25 मिनट रखना है पुलाव को, ठीक है। हरी प्याज आखिर में डलेगी, चम्मच हटा दिया, आखिर में हरी प्याज डाल दें हाफ कप जितनी, इससे क्या होता है अरोमा बहुत अच्छा आता है, जैसे चाइनीज़ खानों में हम डालते हैं हरी प्याज आखिर में। पुलाव को कवर फौरन हटा के, फौरन स्पून ना चलाएं, 2 मिनट छोड़ा करें, उससे क्या होता है चावल आपका टूटेगा नहीं, ठीक है। हल्के हाथ से साइड से इसको खोलें ऐसे,
का हल्के हाथ से ये खोल जो वेजिटेबल पुलाव ऐसे हल्का हल्का इसको ताकि इसका ये थोड़ा सॉफ्ट होता है पुलाव पकने के बाद स्पून चलाने के बाद जब हवा लगती है तो ये खुद ही नॉर्मल हो जाएगा ठीक है। तेज़ पत्ता हटा के वेजिटेबल पुलाव मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मिक्स होता है इसमें सब चीज़ें डली हुई हैं। इस तरह आपने निकाल लेना है ज़बरदस्त ठीक है। सारी सब्जियां बच्चों को इस तरह के पुलाव बना के दें दही का सादा रायता बनाएं जिसमें काली मिर्च सिर्फ डालें ठीक है और ज़ीरा भून के डालें बस सादे रायते के साथ कचुम्बर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं सलाद वैसे कट रखते हैं तो सकते हैं ठीक है। बिल्कुल सादो रायतो दही खड़ी वटो एक कप उनमें कारा मिर्च एक चाय जो चमचा कुटे विझी जो पाउडर ना विझी जो ठीक है कुटियल कारा मिर्च विझी छो हुन सां गॾु तव्हां इनमें छा विझंदो हुन सां गॾु इनमें अछो ज़ीरो तए जे मथां थोरो सेक के एक चाय जो चमचो अछो ज़ीरो मिलाए थोरो लूणु मिलाए छॾिजो ऐं इहे तव्हांजो वेजिटेबल पुलाव थी वेंदो तयारु ठीक है। ये वेजिटेबल पुलाव हमारा हो गया रेडी और इसको हम रखते हैं टेबल पे। ठीक है ये आज की हमारी रेसिपी वेजिटेबल पुलाव और उसके साथ मुल्तानी सोहन हलवा जिसे हबशी हलवा भी कहा जाता है ठीक है। मुल्तानी सोहन हलवा हबशी हलवा जो भी आप कहें ये दोनों हो गए तैयार। सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए तो सुबह 11 बजे रिपीट में देखिएगा पेज पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल की रेसिपी देखिएगा पिज़्ज़ा पराठा बनाएंगे और वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे या कुकिंग विद फैसल भी सर्च कर सकती हैं यूट्यूब पे प्रीवियस सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी पिज़्ज़ा पराठा के साथ। सुभाणे 11 लॻे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ ऐसा मुंहिंजो पेज आहे उते रेसिपी अपलोड थी वेंदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते या पोइ कुकिंग विद फैसल भी सर्च करे सघो था। यूट्यूब ते तव्हांखे वीडियोज़ मिलंदियूं शारजा बनस्पति की शारजा कुकिंग ऑयल असां सां गॾु हुनजी तमामु सुठी खाधा जेको तव्हांखे ठाहिणु सेखारिया ऐं ही सुबुह जो रिपीट में ॾिसो। सुभाणे ठाहींदासीं पिज़्ज़ा पराठा दुआउनि में यादि रखिजो। अलाह हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।